नमस्कार। आज आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो, आप लोगों के पास जो बताया जाएगा वीडियो में वो बहुत ही रोचक और इससे आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा, जिसे आप एक दूसरे को बताएंगे तथा स्वयं अपने भी सीखने की कोशिश भी करेंगे। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो शुक्र ग्रह से संबंधित जो आपको परेशानी होगी उसको कैसे हम दूर करेंगे, शुक्र ग्रह को कैसे हम खुश करेंगे, ये विषय है। शुक्र ग्रह को खुश कैसे करें, इसके लिए हमें थोड़ा शुक्र ग्रह पर चर्चा कर लेनी उचित है। यदि हमारे नए व्यूअर हैं जो अभी तक सब्सक्राइब हमारे वीडियो को नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। यहाँ पर ध्यान दें हम लोगों कि शुक्र ग्रह की विशेष स्थिति परिस्थिति क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कोई भी कुंडली जो है, कोई भी कुंडली में ग्रह जब होते हैं तो यह हमको विचार करना होता है कितना शुभ और कितना अशुभ है। और जन्म कुंडली जो आप लोग के सामने कोई भी जातक दिखाने आता है, समझने के लिए आता है, तो उसकी कुंडली के ग्रह स्थिति भाव आदि पर ध्यान दे करके ही उसे हमें बतानी चाहिए। बहुत से लोग जो होते हैं ग्रह को अशुभ समझते हैं, कोई बता देता है कि आपके ग्रह जो हैं शुक्र अशुभ हैं, शुक्र सही नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक चिंतित हो जाता है। तो आपको थोड़ा समझ कर बतानी है कि जातक को ज़्यादा ठेस न लगे, ज़्यादा उसे कष्ट न हो, यह ध्यान देना चाहिए कि उस ग्रह को खुश करने के क्या कोई उपाय हैं, उसे हम कैसे प्रसन्न करेंगे। आप भी उस कुंडली को जो पहले उसको कोई बता दिया है कि आपके शुक्र आपके कुंडली में शुभ नहीं है, अशुभ हैं, तो ऐसे में जातक चिंतित हो जाता है और तो आपके पास भी आता है, अन्य लोगों के पास भी इसके बारे में चर्चा करता है, पूछने के लिए जाता है। वो ऐसी स्थिति में आप उसे नाराज और उसे परेशान न करें। ज्योतिष एक विज्ञान है, इस विज्ञान का मतलब ये नहीं कि हम उसका दुरुपयोग करें या किसी व्यक्ति की मनोभावना पर हम ठेस पहुंचाएं, ये हमें पहले विचार नहीं करनी चाहिए, इसको हमें समझ के ही आगे चलना चाहिए। तो कोई भी ग्रह यदि अशुभ आपको भी दिख रहा है, वैसी स्थिति में आप यह उस दे ध्यान दें कि इस ग्रह को खुश करने तथा प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय है, उस उपाय से ग्रह को समाधान किया जा सकता है अथवा नहीं, इस पर आप विशेष ध्यान दें। ऐसे मान लें किसी व्यक्ति को रक्तचाप या शुगर की बीमारी हो गई है, तो आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं, वह व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे दवा देता है, तो आप चाहेंगे कि एक ही बार उस दवा को खाने से अस्थायी उपचार हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए रोग को नियंत्रण करने के लिए आपको अस्थायी रूप से दवा को लेनी पड़ेगी, फिर भी वह ऐसी बीमारी है जो कि अस्थायी इलाज उसका नहीं मिल पाता है। हाँ, उसे शांत किया जा सकता है। इसी प्रकार कुंडली में कोई भी ग्रह निर्बल हो, कमजोर हो, अस्त हो या अशुभ हो, तो उसे हम अस्थायी रूप से हम उसको देखेंगे कि क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, उसके क्या फल हो सकते हैं। तो हम उस जातक को हम बताएंगे कि आपके कुंडली में कुछ ग्रह जो हैं थोड़ा अशुभ चल रहे हैं, लेकिन उसके ये उपाय यदि आप करते हैं, उसको उपाय बताएं, उसकी मन की शांति दिलाएं। मान ले कोई अस्थाई रूप से आपके ग्रह कुंडली में देख रहे हैं कि बलवान नहीं है, उसे बलवान नहीं कह सकता, मगर आप ये ध्यान दें कि निर्बलता और अशुभता को नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। अर्थात आप उस ग्रह को शांति का उपाय हमेशा करते रहने चाहे आपको करते रहना चाहिए, तभी वह ग्रह धीरे धीरे अपनी अशुभता का प्रभाव कम करेंगे और धीरे धीरे शुभ फल देना प्रारंभ करेंगे। तो आज हम लोग
शुक्र ग्रह के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, उसे शांत करने के उपाय क्या हैं, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। स्त्री जाति को ऐसे जो जातक हैं जिन्हें जो शुक्र से परेशान हैं, शुक्र उनके शुभ नहीं है कुंडली में, तो उनको स्त्री जाति को सम्मान करना चाहिए, अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, यानी अपने घर के साफ सफाई पर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देनी चाहिए। शयन कक्ष जो आप सोते हैं, सोने का रूम जो है, उसको भी स्वच्छ रखें, साफ रखें, अच्छे वस्त्र धारण करें। इसलिए कि शुक्र जो है उनको शौकीन एक तरह से कहिए उसके कारक हैं, तो उनको गंदा चीज पसंद नहीं पड़ता है, इसलिए आपको अच्छे वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। साथ ही साथ इत्र सेंट आदि का भी आप प्रयोग करें, लगाएं, अपनी स्त्री को प्यार दें, अपनी पत्नी को सम्मान को भी सम्मान दें। शुक्रवार के दिन कुंवारी कन्या एवं अपनी पत्नी को सौंदर्य प्रसाधन देकर खुश करें, ये आप लोगों को करनी चाहिए, तभी आपके शुक्र शांत हो सकते हैं। साथ ही साथ एक मंत्र बताया जाता है, उस मंत्र का भी आप फॉलो कर सकते हैं, ओम सोम शुक्राय नमः, ओम सोम शुक्राय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें तो आपके शुक्र जो हैं, जो अशुभ कुंडली में दिख रहे हैं, तो आपके शुभ हो जाएंगे। यह हमें ध्यान देना चाहिए कि कोई भी ग्रह खराब नहीं होते हैं, सब ग्रह एक ही समान हैं, गति सबकी अलग अलग भले ही है, कोई नज़दीक हैं तो कोई दूर हैं, लेकिन सबका प्रभाव अपना अपना जगह पर अलग अलग प्रभाव है। कुंडली में अशुभ या बलहीन समझ करके आप उसे चिंतित हो जाएंगे, तो जो आपके मन में भय है वह और व्याप्त हो जाएगा और ज़्यादा भय हो जाएगा। तो मैं अपने पंडित भाई से भी यह गुजारिश करता हूँ और हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग किसी यजमान को ज़्यादा सशंकित न करें, उसे तरह तरह के बातों को समझा करके और उसे उसके लिए कुछ उपाय अवश्य बता दें, ताकि वह व्यक्ति जो परेशान है वह स्थिर हो जाए, उसके मन शांत हो जाए, वो ज़्यादा परेशानी न झेले। इन सारी बातों को ध्यान दे करके हमें शुक्र शांति के उपाय बताने चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।